Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS and the class of UPSC CSET Super 5 series. Today we will discuss the previous year questions based on direction sense. Direction sense important topic hai aur interesting bhi hai kyunki aapke iske andar jo directions hai, directions ke upar work karna aur saath mein distance pe bhi work karna hota hai. ओके तो अब देखिए डायरेक्शन आई होप सभी को क्लियर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और जो सब डायरेक्शंस हैं लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था. तो आज के क्लास में प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. डन. अब उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलते हैं डायरेक्शन सेंस पे बेस्ड. और मेन थिंग इज प्रैक्टिस और उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस करनी है. सो लेट अस स्टार्ट. साथ में ना एक कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए सो दैट कि मेरे साथ साथ में खुद से सॉल्व करो. एक सेल्फ एनालिसिस मस्ट होता है. अभी आप जिस स्टेज पे हो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे किस टॉपिक के अंदर कितनी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, किसके मेरे कंसेप्ट्स क्लियर है. और उसके लिए सभी स्टूडेंट्स का सेम नहीं है, सभी की अलग अलग स्ट्रेटजी है, सभी का अलग अलग माइंड है. तो इसलिए पहले सेल्फ एनालिसिस देखो कि हाँ कौन सा टॉपिक मेरा कितना क्लियर है, किस पे मुझे कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है. ओके सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे जो कि 2020 के अंदर आया हुआ था. सी सेट 2020 का क्वेश्चन है. क्या है क्वेश्चन देखिए, कह रहा टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टूगेदर फॉर 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन के अंदर 50 मीटर चल रहे हैं. अब हमें नहीं पता कि वो जो कौन से डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं, ठीक है ना. उसने सिंपल हमें क्या कहा है कि दो फ्रेंड्स हैं और वो सेम डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं, ठीक है. एंड रीच एट ए पॉइंट एक्स टर्न्स राइट एंड रन्स 50 मीटर वाइल वाई टर्न्स लेफ्ट एंड रन 40 मीटर्स. देन एक्स टर्न्स लेफ्ट एंड 50 मीटर एंड स्टॉप्स. देन वाइल टर्न y turns right and runs 50 meter and then stop. How far are the two friends? कह रहे कि दोनों अभी कितनी दूरी पे हैं. आई होप क्वेश्चन क्लियर. ये जो सेम टाइप है ये ही सेम टाइप 2019 में आई हुई थी. सेम टाइप पे क्वेश्चन आया हुआ था, डिस्टेंसेज में थोड़ा सा डिफरेंस था बट टाइप यही थी. तो मैं वही कह रही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब देखो दो फ्रेंड है, कहते हैं एक्स और वाई दोनों एक ही डायरेक्शन में 50 मीटर चल रहे हैं. लेट अस से यहाँ से उन्होंने 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया. अब आप कहोगे कि मैम आपने इसी डायरेक्शन के अंदर क्यों मूव कराया. देखो बेटा अब पूरे क्वेश्चन को देखने के बाद में हमें क्या पता चला कि हमें जस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है ना. तो अगर आप यहाँ की बजाय इस डायरेक्शन में भी चलाओगे तो भी आंसर सेम आएगा. बट द थिंग इज वट कि हाँ जब आपकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो लेफ्ट और राइट भी चेंज होगा. ओके तो प्रैक्टिस के लिए दोनों आप ट्राई करके देखिएगा. हाँ जी तो हम क्या कहते हैं 50 मीटर चले सेम डायरेक्शन एंड देन रीच एट ए पॉइंट एक्स. इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे पहुँच गए. अब उस केस के अंदर क्या कह रहे हैं, एक्स टर्न्स राइट. देखिए अब किधर फेस है, ईस्ट फेसिंग है और एक्स ने राइट टर्न लिया है. राइट टर्न एक्स इस डायरेक्शन में चला गया और वाई ने लेफ्ट टर्न लिया. ओके अब यहाँ पे कह रहे हैं एक्स टर्न राइट एंड रन 60 मीटर. अब 60 मीटर लेट अस से दिस इज 60 मीटर. ओके व्हाइल वाई टर्न्स लेफ्ट एंड रन 40 मीटर लेट अस से दिस इज 40. ठीक है. देन एक्स टर्न लेफ्ट. अब देखो जो एक्स है एक्स किधर है, साउथ फेसिंग है. एक्स साउथ फेसिंग है. जब साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट और राइट क्या होगा. हाँ जी साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट इधर जाएगा. और क्या कह रहा है, ही रन्स 50 मीटर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गया. व्हाइल वाई टर्न राइट एंड 50 मीटर. अब वाई अब क्या है, नॉर्थ फेसिंग है तो राइट किधर जाएगा, इधर जाएगा 50 मीटर. एंड देन स्टॉप. हाउ फार आर द टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे. भाई ये भी 50 मीटर, ये भी 50 मीटर, ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपको फाइंड आउट करना है. अब ये देखो ये कितना था, ये 40 था, ये 60 था. 40 प्लस 60 कितना हो गया, 100. सो आंसर विल बी 100 मीटर. 100 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर. बस जब भी आप डायरेक्शन सेंस पे वर्क करो तो बेटा देखो एक पॉइंट पे ध्यान रखना कि फेस किधर है, ठीक है. इन विच डायरेक्शन यू आर फेसिंग एंड वट विल बी द लेफ्ट और राइट, बिकॉज लेफ्ट एंड राइट इज अकॉर्डिंग टू द फेस.
डन, सभी को क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें फिर जल्दी से। चलो नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। ए वुमेन रन्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स हर नॉर्थ एंड देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ एंड देन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब हर एक में क्या है, डायरेक्शन का और डिस्टेंस का ही मेन काम है। तो अब यहाँ पे भी क्या कह रहा है, देखो डिस्टेंस का आपने ध्यान रखना है कितनी दूरी है। ए वुमेन रन 12 किलोमीटर टुवर्ड्स हर नॉर्थ, लेट अस से वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। यहां से कहां पे जा रही है, 12 नॉर्थ के अंदर। अब जब नॉर्थ साउथ है तो लेफ्ट राइट का तो कोई सीन ही नहीं है, जस्ट हमें क्या पता है, यस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ओके। तो नॉर्थ के अंदर दैट मींस कि अपवर्ड जाएगी 12, लेट अस से दिस इज 12, देन 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। अब देखो यहां से वो 12 चली गई, अब उसके बाद में क्या कह रहा है, 6 साउथ में आ गई, साउथ में दैट मींस कि हाफ डिस्टेंस पे वापस आ गई, यहां से वो ऐसे गई और फिर यहां से वो ऐसे वापस आ गए, क्लियर। दैट मींस कि नाउ सी इज एट दिस पॉइंट एंड देन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये हो गया 8, दिस इज लाइक दिस, ओके। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, इन विच डायरेक्शन यू सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, कह रहा बताओ कौन सी डायरेक्शन में। अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये देखो अगर हम देखें तो ये वाली डायरेक्शन है, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट, क्या है, नॉर्थ ईस्ट। तो हम भी क्या कहेंगे, दिस इज नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से तो दो ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको, कौन से, यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट है, साथ में वो एंगल कह रहा है, क्या कह रहा है, एन एंगल लेस देन 45 डिग्री, एंगल मोर देन 45 डिग्री। अब देखो अगर ये यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है बेटा ये 6, ये डिस्टेंस कितना है 8, इफ दिस डिस्टेंस इज लेस देन दिस डिस्टेंस इन दैट केस दिस विल एंगल विल बी लेस मोर। देखो अगर मान लो ये 6 है, ठीक है, ये 6 है हमारे पास में और ये हमारे पास में 8, तो उस केस के अंदर ये एंगल ज्यादा होगा, ये एंगल कम होगा, ये तो पूरे का पूरा 90 डिग्री का हो गया, ये तो 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब उस केस के अंदर ये जो एंगल है दिस विल बी मोर देन ग्रेटर देन 45 डिग्री, दिस विल बी लेस देन 45 डिग्री, ओके। हाँ अगर मान लो ये डिस्टेंस, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताती हूँ, अगर यहाँ पे बेटा ऐसे कुछ होता, ये 6 है मान लीजिए, ये 4 है, अब उस केस में क्या होता, अब ये वाला जो एंगल है ये क्या होता, दिस इज शुड बी ग्रेटर देन 45 डिग्री एंड दिस इज लेस देन 45 डिग्री, ओके। कोई डाउट माइनर सा किसी को, बिल्कुल क्लियर है, हाँ जी। नेक्स्ट देखिएगा, तो अब यहाँ पे क्या आएगा अपने पास आंसर, लेस देन, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, हाँ जी। बताइए कोई माइनर सा डाउट, अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी। नेक्स्ट देखिएगा, ए बैंक एम्प्लॉई ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, एक बैंक एम्प्लॉई है वो कह रहा है कि साउथ की तरफ 10 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, लेट अस से दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट और 10 किलोमीटर वो साउथ में चल दे, ओके, एंड फ्रॉम हर हाउस एंड देन टर्न लेफ्ट। अब देखो जब साउथ फेसिंग है, साउथ में चली दैट मीन साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग जब होता है तो ये है लेफ्ट, ये हो गया राइट, लेफ्ट राइट, और ये क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ फ्रॉम हर हाउस एंड देन टर्न टू लेफ्ट, लेफ्ट दैट मीन्स व्हाट, दिस डायरेक्शन एंड ड्रॉ अनदर 20 किलोमीटर। एक जब भी आप डिस्टेंस ड्रॉ करते हो ना तो उस टाइम पे थोड़ा सा आइडिया से कर लो, जैसे 10 हमने इतना लिया है तो 20 ऑब्वियसली इससे ज्यादा ही होगा, तो ये हो गया 20। सी अगेन टर्न्स लेफ्ट, अब देखो किधर है, ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, वो क्या कह रहे हैं, लेफ्ट, लेफ्ट दैट मींस कि अप, राइट दैट मींस डाउन, और ये क्या कह रहे हैं, सी टर्न लेफ्ट एंड ड्रॉ 40 किलोमीटर। अब देखो बेटा ये 10 था तो 40 कितना जाएगा, 40 ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा जाएगा, दिस इज 40, ओके, राइट एंड ड्रॉज अनदर 5 किलोमीटर, ओके। अब यहां से ये 40 जाने के बाद में क्या कह रहे हैं, 5 किलोमीटर राइट के अंदर, अब जब नॉर्थ फेसिंग है तो राइट किधर जाएगा, इधर, तो ये क्या कह रहा है कि 5 और चल दे, ये हो गया हमारे पास 5। पहले ये देखो इतना क्लियर है, पहले उसने क्या कहा, यहाँ पे देखो साउथ के अंदर 10, उसके बाद में क्या कह रहा है कि लेफ्ट में टर्न किया, उसके बाद में 20, उसके बाद में
क्या कह रहा है, 40 लेफ्ट में एंड देन सी टर्न राइट एंड ड्रिव 5 किलोमीटर यहाँ पे पहुंच गई. सी अगेन टर्न्स टू हर राइट. अब देखो, अब उसने क्या किया, राइट के अंदर टर्न किया, राइट दैट मीन्स कि डाउनवर्ड जाएगी एंड ड्रॉ अनदर 30 किलोमीटर टू रीच एट बैंक. अब 30 किलोमीटर चला. अब देखो ये पूरे का पूरा कितना है, 40, ठीक है. अब 30 दैट मीन्स इतना कितना था, 10, दैट मीन्स कि 30 ये हो गया, वो यहाँ पे पहुंच गई. ओके, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वेयर शी वॉक, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द बैंक टू हर हाउस. अब बैंक से घर तक का शॉर्टेस्ट, अब ये 30 चल के यहाँ पे आ गई. अब ये देखो, यहां से घर था, ये है सीधा डिस्टेंस है, तो कह रहा कितना है, तो देखो बेटा 20 तो ये था और 5 ये है, कितना हो गया, 20 + 5 दैट मीन्स कि 25 किलोमीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब पूछा जाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली मैच कर देते हैं. स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को डायरेक्टली आपने मैच कर देना. अगर इन लाइन है तो सीधा फाइंड आउट कर लोगे, अदरवाइज आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है ना. क्लियर. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखो 2020 का क्वेश्चन है, 22 के हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 21 का. नाउ 20 के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ था. क्या है क्वेश्चन देखो, ए मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस. बैक साइड दैट मीन्स कि जिधर उसका फेस है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से उसने चलना शुरू किया. एंड स्ट्रेट 25 मीटर, देन टर्न्स राइट एंड वॉक 50 मीटर अगेन, सी देन ही टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट एंड अगेन 25 मीटर इफ हिज हाउस फेसेस ईस्ट. हम यही चेक कर रहे थे कि स्टार्टिंग कहाँ से करी जाए, स्टार्टिंग कहाँ से करी जाए. इन दैट केस क्या कह रहा हो, उसका हाउस क्या है, ईस्ट फेसिंग है, ठीक है. अब देखो, अगर उसका हाउस ईस्ट फेसिंग है, हाउस इधर फेस है, और उसने क्या कहा है, द मैन वॉक्स डाउन बैक साइड ऑफ हिज हाउस. बैक साइड दैट मीन्स कि यहां से उसने कौन सी डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू किया है. देखो हाउस का फेस इधर है, बट उसने कौन सी साइड में मूव करना शुरू किया, बैक साइड से. दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से उसने स्टार्ट किया और 25 मीटर चल दिया. 25 मीटर, लेट अस से दिस इज 25 मीटर, ओके. देन टर्न्स टू राइट. अब देखो, अब वो किधर है, वेस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग, और क्या कह रहा है, राइट में टर्न किया, राइट में टर्न किया, दैट मीन्स कि अपवर्ड जाएगा एंड वॉक 50 मीटर अगेन. 50 मीटर थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लेते बेटा स्पेस का, थोड़ा देखो, लेट अस से यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, इधर चला 25, लेट अस से दिस इज 25, यस दिस इज 25. अब उसने क्या कहा, एंड देन टर्न राइट एंड 50 मीटर मींस इससे डबल डिस्टेंस हमने ड्रॉ करना है, लेट अस से दिस इज 50 मीटर, ओके. देन ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट. अब नॉर्थ फेसिंग है तो लेफ्ट किधर जाएगा, इधर, और क्या कह रहा है, वॉक 25 मीटर, और कितना उसने किया, 25 मीटर मूव किया, 25 मीटर, दिस इज 25 मीटर इफ हिज हाउस फेसेस ईस्ट. नाउ इट इज द डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. अब स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सी डायरेक्शन है, अब देखो ये वाली डायरेक्शन, अगर ये स्टार्टिंग है, देखो ये वाला अगर स्टार्टिंग है तो कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ये वाली डायरेक्शन है, और इसको क्या बोलते हो आप, नॉर्थ वेस्ट, क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट. तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये क्या हो गया आपके पास में, नॉर्थ वेस्ट. सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, नॉर्थ वेस्ट. डन, कोई माइनर सा डाउट आ रहा हो किसी को, क्लियर है. बस ध्यान रखना है कि हाँ जी, साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट राइट किधर जाएगा, नॉर्थ फेसिंग है लेफ्ट राइट किधर जाएगा, सेम वे ईस्ट और वेस्ट फेसिंग में लेफ्ट राइट किधर मूव करना है, ओके. नाउ नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आपके पास पी क्यू एंड आर आर थ्री टाउन्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 60 मीटर, वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज 80 किलोमीटर. क्यू इज इन द वेस्ट ऑफ पॉइंट पी एंड आर इज इन द साउथ ऑफ पी, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, क्यू आर के बीच का डिस्टेंस क्या है. अब देखो सिंपल इसने साहब आपको क्या कहा है, पी क्यू कितना डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर
अब यहां पे इसमें साथ में एक बात और कही, क्यो इज इन द वेस्ट ऑफ पी, दैट मीन्स की अगर हम बात करें ये क्यो हो गया और ये हो गया पी, ठीक है, एंड पी क्यो के बीच का डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज 80 किलोमीटर, और साथ में क्या कह रहे हैं, यस आर इज साउथ ऑफ पी, आर इज साउथ ऑफ पी, दैट मीन्स की आर पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है साउथ में, एंड दिस डिस्टेंस इज 80 किलोमीटर. Now the simple question is this, what is the question, what is the distance between Q R, you have to find out the distance between these two points, okay, kaise find out karenge, seedha pythagoras lagaoge, kaise 60 square plus 80 square ka square root, dekho right angle triangle ban gaya na yahan pe, to kitna ho jayega, this is 3600 plus 6400 10,000, that means कि कितना हो गया आपके पास में, this is 100, so answer will be 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर will be the correct answer, okay, clear है, तो देखो distance और direction दोनों का आपको पता होना चाहिए, distance और direction दोनों. अब 2019 का एक और question है यहाँ पे, एक question और है यहाँ पे, ये question मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है कि ये same type का जो अपना 22 में आया हुआ है, देखो उसी type का question है यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया था ना कि वही टाइप रिपीट हो जाते हैं 4-5 साल के बाद में, तो इसलिए प्रीवियस 8-10 इयर्स के आपके जो पेपर है वो आपने सभी ने सॉल्व करके देखने, ओके, क्योंकि वही टाइप रिपीट होने के चांसेस होते हैं. तो यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन, ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, इसने डायरेक्शन यहाँ पे आपको बताई है, दैट मीन्स कि हम डायरेक्टली इसको ड्रॉ कर सकते. सो ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड towards east, east के अंदर कितना चला 20 मीटर, let us say this is 20 मीटर, okay, b joins him, यहाँ पे उसको b भी मिल गया, a चला था यहाँ से, अब यहाँ पे a और b दोनों हैं, a और b भी यहाँ पे है, अब कह रहे हैं कि they together walk 10 मीटर in the same direction, 10 मीटर और चल दिए हैं same direction, there are two persons a and b, okay. अब क्या कह रहा है, ए टर्न्स लेफ्ट, अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी क्या था, दो पर्सन थे एक्स वाई, एक लेफ्ट में जा रहा है एक राइट में जा रहा है, अब यहाँ पे भी यही, और एक पर्टिकुलर पॉइंट है और उससे दोनों की डायरेक्शंस चेंज हो जाती है, कह रहा है ए टर्न्स लेफ्ट, ए ने लेफ्ट में मूव करा, लेफ्ट दैट मीन्स की अप, ओके, एंड व्हाइल बी टर्न्स राइट, ए इधर ऊपर चला गया और बी नीचे की साइड आ गया, ओके, अब यहाँ पे देखो क्या डिस्टेंस बताया उसने, ट्रेन ट्रेवल 2 मीटर एंड 8 मीटर रेस्पेक्टिवली, ए 2 मीटर, ए 2 मीटर चला और बी 8 मीटर चला रेस्पेक्टिवली, दैट मीन्स कि सीरियल वाइज है, पहले ए है तो ये दिस डिस्टेंस इज फॉर ए, दिस डिस्टेंस इज फॉर बी, ओके, अगेन बी टर्न्स टू लेफ्ट एंड ट्रेवल 4 मीटर फॉलोड बाई 5 मीटर टू हिज राइट, अब बी के बारे में बता रहा है, क्या कह रहा है, बी टर्न्स लेफ्ट, अब यहाँ पे है बी, ठीक है, लेफ्ट साउथ फेसिंग है, दैट मीन्स कि लेफ्ट किधर जाएगा, इधर जाएगा, एंड 4 मीटर, 4 मीटर चल दिया, ठीक है, फॉलोड बाय 5 मीटर टू राइट, 5 मीटर टू राइट, राइट के अंदर, अब देखो फेस किधर है उसका, ईस्ट फेसिंग, और राइट में उसने मूव करना, राइट में मूव करना, दैट मीन्स कि डाउनवर्ड जाएगा 5, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गया वो, डन, एंड रीच हिज ऑफिस, ऑफिस पहुंच गया वो, ए टर्न्स राइट, अब ए यहाँ था, राइट में टर्न किया एंड ट्रेवल 12 मीटर टू रीच ऑफिस, ऑफिस में पहुँचने के लिए उसको 12 मीटर चलना पड़ा और वो कहाँ पे पहुँच गया, अपने ऑफिस में पहुँच गया, ये ए का ऑफिस है, ये बी का ऑफिस है, डन. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफिसेज, टू ऑफिसेज के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, इन दैट केस यू विल मैच द टू एंड पॉइंट्स, ओके, एंड देन इफ इट इज इन लाइन तो आप डायरेक्टली डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे, अदरवाइज वी विल मेक ए राइट एंगल ट्रायंगल. अब यहां से इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट तक इसको लेके जाना है, ये था ना 5, ये देखो बेटा, ये यहां पे ये वाला पॉइंट है अपने पास में, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को मैच करना है आपने, कर दिया, अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है इसका, राइट एंगल ट्रायंगल दैट मीन्स की कच्ची लाइन से हमने इसका राइट एंगल ट्रायंगल, अब ये देखो दोनों डिस्टेंसेज कितने कितने हैं, अब ये यहाँ पे देखो, ये जो पूरा डिस्टेंस था यहाँ से लेके यहाँ तक का, ऑफिस ऑफ ए एंड दिस इज ऑफिस ऑफ बी, ए और ऑफिस ऑफ ए के बीच का ये डिस्टेंस कितना है, 12 है, 12
12 का डिस्टेंस है। अब 12 में से ये वाला जो डिस्टेंस अगर हम देखें, दिस डिस्टेंस इज 4, दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 4, तो जो राइट एंगल ट्राइंगल के बीच के जो स्पेस है उसके अंदर का डिस्टेंस ये कितना रह गया 8, ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब हम बात करते हैं ये वाला जो डिस्टेंस है, क्योंकि हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, तो यहाँ पे देखो ये कितना है 2, ये कितना है आपके पास में 8, दैट मीन्स कि 10 और 5 नीचे और चला है, 10 और 5 15, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज 15। अब आपको ये ऑफिस ऑफ ए टू ऑफिस ऑफ बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? यस, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस इज 64 प्लस 225, दिस इज 289, 289 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपके पास में 17, कितना आ गया, दिस इज 17, सो योर आंसर विल बी 17 मीटर। आई होप सभी को क्लियर है, रिपीट करूं। देखो किया क्या है हमने यहाँ पे, पहले तो जैसे जैसे भी डायरेक्शन में वो मूव करने के लिए कह रहा है, वी विल मूव इन द सेम डायरेक्शन, ओके, अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट एंड राइट, डन। आफ्टर दैट व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, इन दैट केस वी विल मैच द टू एंड पॉइंट्स डायरेक्टली, ओके, एंड व्हेन वी विल मैच दीज टू पॉइंट्स, देन दिस इज ए स्लांटिंग लाइन, एंड व्हेन इफ दिस इज स्लांटिंग लाइन इन दैट केस वी विल मेक ए राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। अब इससे जब आप राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हो तो उस केस में आपको ये दो बाकी की दो साइड्स हैं उनका डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा है, ओके। तो अब ये वाला जो पूरा डिस्टेंस था, दिस वाज 8 एंड दिस वाज 5, सो दिस डिस्टेंस विल बी 15। एक तरह से हमारा ऐसे बन गया, देखो, ओके, दिस डिस्टेंस इज 15, दिस डिस्टेंस इज 8, एंड नाउ वी कैन इजिली फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। वी विल अप्लाई द पाइथागोरस, दैट मीन्स की स्क्वेयर रूट ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ द सेकेंड साइड एंड देन स्क्वेयर रूट, सो दिस विल बी 17। हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है सभी को? अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे, बिकॉज डायरेक्शन सेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है, हर एक एग्जाम में आता है, चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सभी के लिए, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्जाम, देन अगेन इट्स इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, ओके। और बात आती है कि प्रैक्टिस कैसे करी जाए। हाँ जी, अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हैं इन दैट केस वेल एंड गुड, अदरवाइज अभिमन्यु आईएएस आपको कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस बोथ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे मैंने लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किया, आपको डिस्क्रिप्शन में भी सेम लिंक प्रोवाइड किया है, यहाँ से आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, यस, यू विल गेट द वीडियो लेक्चर्स, टू वीडियो लेक्चर्स, ओके। अब यहाँ पे मैं आपके लिए कोई ये नहीं कर रही हूँ कि हाँ, आपको मैं कह रही हूँ कि हाँ जी, काफ़ी स्टूडेंट्स पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं कि हाँ जी अब मैडम को सेल करना है, नहीं, बहुत एक तरह से हम आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर बेटा सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखो, दो वीडियो लेक्चर हैं तो वेब नोट्स अवेलेबल और 222 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अवेलेबल। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको क्या चाहिए। मान लीजिए आपको चाहिए वीडियो लेक्चर्स, तो आप वीडियो लेक्चर्स ले लो, बाकी का रिमूव कर दो, ओके। अब देखो, आप खुद सोचो कि 34 रुपीज़ में क्या आता है, आपको दो वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं और हर एक वीडियो लेक्चर्स के अंदर क्या मिल रहा है आपको, हाँ जी, हर एक वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको एक टेस्ट भी मिलेगा साथ में प्रैक्टिस के लिए, डन। उस पर्टिकुलर वीडियो की वेब नोट्स भी मिलेंगे आपको, उसके साथ में एक पीडीएफ भी अटैच मिलेगी, तो ये सारा कुछ आपको ओनली 34 में मिल रहा है, कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी कोई भी माइक्रो वर्सेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, इन दैट केस यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट, ओके, नंबर नोट डाउन कर लो सभी। अगर माइक्रो वर्सेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है, काफ़ी स्टूडेंट्स कई बार नहीं हम फॉलो अप कर पाते कि डैशबोर्ड के अंदर प्रॉपरली, देन यू कैन 9517716 51, ओके, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर इफ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ इश्यू, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी रिगार्डिंग द कंप्लीट कोर्स। नाउ इट्स अप टू यू कि मुझे कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है फॉर द स्पेशल क्रैश कोर्स, ओके, एनी माइक्रोवर्स, एनी टेस्ट सीरीज, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग सी सेट, इन दैट केस यू कैन कॉन्टैक्ट मी, वी आर हेयर फॉर गाइड यू, ओके। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी।
दिस लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो. ओके सो थैंक यू, क्लास इज ओवर.